नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अनिल सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे एमएससी फाइनल ईयर के पेपर नंबर सेकंड के ऊपर, पेपर नंबर सेकंड, और इसका नाम है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। इस पेपर के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और इसकी एक यूनिट हम कंप्लीट कर चुके थे, जो यूनिट नंबर सेकंड थी आपकी, जिसका नाम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था। ठीक है, तो वो यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट नंबर थर्ड अपन ने स्टार्ट कर दी थी। और यूनिट नंबर फर्स्ट में जो यूनिट नंबर थर्ड थी वो हमने स्टार्ट कर दी, यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट कर दी थी। और इसके अंदर हम पढ़ रहे थे अपना जो फर्स्ट टॉपिक था जिसका नाम है प्लेन कुट्टी फ्लो। इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, और इसका इसमें तीन केस अपन पढ़ने वाले थे, एक केस अपन पूरा कर चुके थे। यही टॉपिक स्टार्ट होता है आपके यूनिट नंबर सेकंड में, जिसका नाम, जिसमें हम पढ़ रहे थे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वहां हमने पढ़ा था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां हम चर्चा कर रहे हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की। मतलब उस यूनिट में तो पूरे में अपन ने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ा था। इस टॉपिक में हम पूरे में क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें केस नंबर फर्स्ट अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। केस नंबर फर्स्ट अपना क्या था, जब ये प्लेन कुट्टी फ्लो किसके लिए था, दो पैरेलल प्लेट्स के लिए था, दो समांतर प्लेटों के लिए था। कि साहब दो प्लेटें आपको दी हुई है जो कैसी है, समांतर है, और उनके बीच में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, किसका, फ्लूइड का। ठीक है, फ्लूइड का क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट ये कह रहा था कि यहां जो दोनों प्लेटें हैं उन पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट है लेकिन दोनों पे अलग अलग है। ठीक है, यानी कि दोनों प्लेटों में, लोअर प्लेट का तो मैंने वहां क्या लिया था, टी नोट लिया था, और ऊपर वाली प्लेट के लिए मैंने क्या लिया था, टी वन लिया था, और दोनों कैसे थे, कांस्टेंट थे। बस ये तो क्या था अपना, केस नंबर फर्स्ट था। ये बाउंड्री कंडीशन यूज करते हुए हम आगे बढ़े थे और फाइनल रिजल्ट तक पहुंचे थे। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आज हम चर्चा करेंगे केस नंबर सेकंड के ऊपर, केस नंबर सेकंड के ऊपर चर्चा करेंगे। केस नंबर सेकंड कहता है इन दिस केस बोथ द प्लेट्स आर एट सेम कांस्टेंट टेम्परेचर टी नोट। ठीक है, यानी कि इस केस में क्या होगा, जो दोनों प्लेटें हैं वो मेरी, वो कैसी होगी, कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगी, और कैसा होगा, टेम्परेचर दोनों के ऊपर सेम होगा। मतलब नीचे वाली पे जितना टेम्परेचर है उतना ही कितना होगा ऊपर वाली पर होगा। तो मैंने वो टेम्परेचर कितना लिया है, टी नोट लिया है, यानी कि नीचे वाली प्लेट के लिए भी कितना है, टी नोट है, और ऊपर वाली प्लेट के लिए भी मेरे पास टेम्परेचर कितना है, टी नोट है। ठीक है, तो इसको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाएं, आई स्टडी ऑनलाइन को फॉलो करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स वहां मिलते रहें, और किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स, कोई क्यूरीज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक भी आपको दिया हुआ है, टेलीग्राम को ओपन करके भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, पर्सनली मैसेज मेरे पास आएगा, मैं आपको जो भी आंसर होगा वो प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और जो फ्लूइड डायनेमिक्स है आपका, विस्कस डायनेमिक्स है, और इसके जो कंप्लीट पांच यूनिट है उसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, काफी अच्छी तरीके से वेल एक्सप्लेन नोट्स हैं। ठीक है, इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाता है, तो वो भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है, एक बात और बता देना चाहता हूँ, दो पेपर आपके इस वक्त चल रहे हैं। ठीक है, दो पेपर आपके चल रहे हैं, कौन कौन से चल रहे हैं, एक तो ये चल ही रहा है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, और एक चल रहा है आपका एमपी का मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग का एक पेपर चल रहा है। तो दो पेपर आपके चल रहे हैं, तो दिसंबर कंप्लीट होने से पहले पहले ये दो पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर सभी स्टूडेंट को, और एग्जाम से पहले पहले आपके कंप्लीट पांच पेपर हम पूरे प्रोवाइड करवा देंगे आपको। ठीक है, और सबका मैटर भी आपको अलग अलग तरीके से दे दिया जाएगा। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और चर्चा करते हैं अपन केस नंबर सेकंड की। ठीक है, तो केस नंबर सेकंड क्या था,
क्या था क्या है, अभी आएगा केस नंबर सेकंड। तो केस नंबर फर्स्ट था जो पास्ट में, ठीक है, ये तो प्रेजेंट में अभी चल रहा है। तो देखना, ये दो पैरेलल प्लेट मेरे पास थी, ठीक है, और इनमें ये फ्लो बह रहा था, ठीक है, ये फ्लो मेरे पास इस प्रकार बह रहा था। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ठीक है, ये फ्लूइड बह रहा था, क्लियर सभी स्टूडेंट को, इसका फ्लो हो रहा था, ठीक है। अब मैं इस केस सेकंड में क्या कह रहा हूं कि ये दोनों प्लेट, लोअर प्लेट और अपर प्लेट मेरे पास कैसी है, सेम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है जो कितना है, टी नोट है, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने कितनी ली थी, डी ली थी, यानी कि यहां वाई बराबर जीरो और यहां वाई बराबर कितना है, डी है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब केस नंबर फर्स्ट जब हमने स्टार्ट किया था, प्लेन कुट्टी फ्लो जब अपन ने स्टार्ट किया था टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उसमें हमने एक इक्वेशन निकाली थी, ठीक है। उस इक्वेशन को निकालने के बाद हमने केस फर्स्ट स्टार्ट करके बाउंड्री कंडीशंस यूज की थी, तो इन तीनों केस में वो इक्वेशन काम में आएगी। चेंज क्या होगा, सिर्फ बाउंड्री कंडीशंस का ही चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो जहां से अपन ने प्लेन कुट्टी फ्लो स्टार्ट किया था, वहां से लेकर जो एक इक्वेशन आई थी, शायद वो इक्वेशन नंबर 4 थी, ठीक है, वो कितनी थी, शायद इक्वेशन नंबर 4 थी, तो वो इक्वेशन नंबर 4 तो यहां भी वही डायरेक्ट में काम में लूंगा, ठीक है। आप देख लेना कितने नंबर इक्वेशन वो लगाई हुई थी, मेरे अकॉर्डिंग इक्वेशन 4 थी, तो हम यहां डायरेक्ट लिखेंगे बाई इक्वेशन 4, इक्वेशन थी टी बराबर माइनस म्यू अपॉन के यू स्क्वायर डी स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 2 प्लस ए वाई प्लस बी। ये इक्वेशन मेरे पास आई थी, इसको इक्वेशन नंबर हमने 4 नाम दिया था। अब मुझे ये नहीं पता कितने नंबर नाम दिया था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग शायद 4 नंबर नाम हमने इस इक्वेशन को दिया था। तो यहां तक तो ये सेम है, ठीक है। इसके बाद केस नंबर 2 स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद ही अपना केस नंबर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, इसके बाद ही अपना केस नंबर सेकेंड स्टार्ट हुआ था। केस नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया था, यहां बाउंड्री कंडीशंस काम में ली थी कि साहब जब दोनों प्लेट मेरे पास कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर है, जहां लोअर प्लेट के लिए तो टी नोट टेम्परेचर है और अपर प्लेट के लिए मेरे पास टेम्परेचर कैसा था, T1 था, वो दोनों बाउंड्री कंडीशंस मैंने क्या की, यहां यूज की, यहां यूज करके मैंने क्या किया था, टेम्परेचर का मान निकाला था। कुछ कुछ याद आया होगा स्टूडेंट्स को, अगर नहीं याद आ रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, पीछे लेक्चर्स पढ़े हैं, उनको एक बार दोबारा रिपीट कर लेना, दोबारा देख लेना, ठीक है, तो समझ में आया होगा। अब इसी इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, केस नंबर सेकंड अप्लाई करूंगा, और इसी इक्वेशन में क्या होगा, केस नंबर थर्ड अप्लाई होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, बाउंड्री कंडीशंस का ही चेंज होगा। तो देखना, बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशंस क्या होगी मेरे पास, 8 वाई बराबर जीरो पर, y बराबर जीरो पर t बराबर क्या होगा, t नोट होगा, y बराबर जीरो पर टेम्परेचर कितना है, मतलब y बराबर जीरो मतलब कहां की बात कर रहा हूं, लोअर प्लेट की, लोअर प्लेट के लिए t बराबर t नोट। इसी प्रकार y बराबर d मतलब अपर प्लेट की बात कर रहा हूं, अपर प्लेट पर भी मेरे पास टेम्परेचर कितना है, t बराबर t नोट है। क्लियर से भी स्टूडेंट को? अब बात करता हूं मैं, ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करता हूं इस इक्वेशन में, तो देखना, Applying boundary conditions in equation 4. Equation 4 में मैं boundary condition apply करता हूं, सबसे पहले मैं ये वाली इसमें apply कर रहा हूं, तो t बराबर देखना माइनस म्यू अपॉन के यू स्क्वायर डी स्क्वायर जीरो स्क्वायर बटे 2 प्लस a इंटू जीरो प्लस बी, तो ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, तो बी बराबर, और टी बराबर क्या है, टी नोट, तो बी बराबर दोस्तों मेरे पास क्या आएगा, टी नोट आएगा, तो बी का मान मेरे पास आ चुका। अब मैं क्या करूंगा, इस ए का मान निकालना चाहूंगा, तो वापस ये बाउंड्री कंडीशंस यूज करो आप इसमें, 8 वाई बराबर डी पर, तो वाई बराबर डी पर भी टी बराबर क्या है, टी नोट है, तो टी नोट बराबर यहां से देखना माइनस म्यू अपॉन के यू स्क्वायर डी स्क्वायर, और वाई की जगह डी, तो डी स्क्वायर बटे 2
प्लस ए डी प्लस बी, बी की जगह में क्या पुट कर सकता हूं, टी नोट पुट कर सकता हूं। तो देखना, बी की जगह में टी नोट पुट करता हूं तो टी नोट बराबर माइनस म्यू अपॉन के, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस म्यू यू स्क्वायर अपॉन टू प्लस ए डी प्लस टी नोट, ये टी नोट से टी नोट भी साहब कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा ए डी बराबर माइनस म्यू यू स्क्वायर अपॉन टू के, तो ए बराबर मेरे पास बचेगा माइनस म्यू यू स्क्वायर अपॉन टू के डी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ए और बी के मान मेरे पास साहब आ गए, ए का मान मेरे पास आया कितना, ये जो लिखा हुआ है उतना, और बी का मान मेरे पास आया है टी नोट। क्लियर हुआ होगा सभी स्टूडेंट को? ए का मान में निकाल चुका, बी का मान में निकाल चुका, अब ए और बी के मान को मैं कहां पुट करूंगा, मेरी इस इक्वेशन में पुट करूंगा। तो देखना, पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फोर। इस इक्वेशन फोर में मैं ए और बी की वैल्यू पुट कर देता हूं और टी का मान निकालता हूं। तो देखना, टी बराबर माइनस म्यू अपॉन के यू स्क्वायर बटे डी स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे दो प्लस, फिर ए इंटू वाई है, ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को मैं वाई से गुणा कर दूं तो माइनस म्यू यू स्क्वायर वाई बटे टू के डी, ठीक है, प्लस बी मतलब प्लस टी नोट। बोलो यहां तक चीज समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा सभी स्टूडेंट को। एक चीज और बता देना चाहता हूं कि पहले अपनी क्लास फाइनल की होती थी सुबह 7 बजे, जिसका टाइम चेंज करके अब कर दिया गया है शाम को 6 बजे, ठीक है। अभी अपनी क्लास जो फाइनल वाली एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स की क्लास होती है वो इस टाइम पे होती है, तो सभी स्टूडेंट इसी टाइम पे क्लास अटेंड करें, आगे के भरोसे में ना रहे कि लास्ट में जाके देखेंगे, ठीक है, उस देखने के चक्कर में फिर देखते ही रह जाओगे, ठीक है। फिर मत बोलना कि सर एक दिन पहले तो ये लेक्चर था, आज नहीं है, कहाँ गया, तो उसका मेरे पास उस दिन कोई जवाब नहीं होगा। तो टाइम पे 1 घंटा आप निकालें, ठीक है, और उस टाइम पे क्लास अटेंड करने की कृपा करें, ठीक है। तो अल्टरनेट या आपकी एक दिन छोड़ के एक दिन या दो दिन क्लासें चल रही हैं, एक दिन एमपी की, 2 दिन MP की, या फिर 2 दिन फ्लूइड की, इस प्रकार आपकी क्लासें चल रही हैं, ठीक है। तो इनको अटेंड रेगुलरली आप करने का प्रयास करें, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सोल्व करता हूं। मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को उधर ले जाता हूं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से एक छोटी सी मिस्टेक अपन कर चुके, देखना, यहां से ये 0 था, इसको उधर भेजा तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का, ठीक है, तो ये मेरे पास कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा। टी नोट को उधर भेज दो तो टी माइनस टी नोट इज इक्वल्स टू, यहां से देखना, टी को उधर भेजा तो टी माइनस टी नोट हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से जो टर्म कॉमन आ रही है मैं उसको कॉमन निकाल लेता हूं, म्यू यू स्क्वायर वाई अपॉन टू के डी, इसमें से कॉमन आ रहा है, तो देखना म्यू यू स्क्वायर वाई अपॉन टू के डी, ये मैंने इसमें से कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस वाई अपॉन डी, ये मेरे पास वैल्यू आ गई टी माइनस टी नोट म्यू यू स्क्वायर वाई अपॉन टू के डी। तो यहां तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये देखना चाहूंगा, इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना चाहूंगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर एग्जैक्ट में है कहां पे, ठीक है। मैं ये पता लगाना चाहूंगा कि किस पॉइंट पर, इसमें किस पॉइंट पर मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मतलब यहां कहीं ना कहीं तो ऐसी जगह है ही ना जहां से क्या होगा, टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, ऐसी कोई ना कोई जगह तो है इसमें, तो वो निकालना मैं चाहूंगा, और साथ में ही मैं वो पॉइंट भी निकालना चाहूंगा कि किस पॉइंट पे है, मतलब किस जगह पे है, और प्लस ये भी निकालना चाहूंगा कि कितना है,
ठीक है, कितना है मतलब वो टेम्परेचर है कितना और किस पॉइंट पे है ये मैं निकालना चाहूंगा। तो बताइए कैसे निकालूं यहां से। सभी पढ़ते आए हो, काफी बार आपने ये चीज पढ़ चुके हो कि मैक्सिमम चीज और मिनिमम कैसे निकालते हैं, ये आप काफी बार आज तक पढ़ते आए हो, बहुत जगह पढ़ा है और आगे भी पढ़ते रहोगे। तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं आप कि किस प्रकार ये चीज आप निकालना चाहोगे, किस प्रकार निकाल सकते हो, इसका आंसर आप दीजिए कि यहां से मैं मैक्सिमम टेम्परेचर का पॉइंट और मैक्सिमम टेम्परेचर कैसे निकाल सकता हूं। अगर किसी स्टूडेंट के पास इसका जवाब है तो कमेंट में जरूर बताएं कि कैसे मैं निकालूंगा। ठीक है, तो देखो ज्यादा कोई रॉकेट साइंस तो यहां है नहीं, ठीक है, इतना सोचने वाली कोई बात तो है नहीं कि कैसे निकाले क्या निकाले। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा नाम से एक चीज आप सभी आज तक सुनते आए हो, सभी ने पढ़ी है। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा होता है क्या होता है, वहीं से निकालते हैं अपन मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम पॉइंट। कहां से निकालते हैं मैक्सिमा मिनिमा, अरे उच्चिष्ट निम्निष्ट नाम सुना होगा, उच्चिष्ट निम्निष्ट। ठीक है, तो फोर, अब फोर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, ये पढ़ा है सभी स्टूडेंट ने। अब पढ़ा तो है साहब लेकिन भूल गए, सर क्या हुआ इतने दिन में पाला ही नहीं पड़ा इन चीजों से, अब पाला ही नहीं पड़ा तो क्या हुआ कि हम तो भूल गए क्या, ये नाम तो सुने सुने से लग रहे हैं, ये तो सुने थे बहुत बार, सुना था बारहवीं में भी सुना था, उसके बाद फर्स्ट ईयर में भी सुना था, उसके बाद कभी इनसे कोई मेल मुलाकात ही नहीं हुई कहीं पे ये टकराए ही नहीं, आज टकराए हैं तो हम तो भूल गए इनको। अरे इंसान को ही भूल जाते हैं, अगर 3-4 साल या 2 साल कोई इंसान ही ना टकराए तो हम तो उसको ही भूल जाते हैं, 3-4 साल तो बड़ी बात, आजकल तो 3-4 महीने में ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा करते हैं कि ये है क्या, तो कैसे निकालते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, किस प्रकार निकालते हैं। याद होगा सभी स्टूडेंट को इसका हम क्या करते थे, अवकलन करते थे। एक बार अवकलन करने के बाद उस अवकलन को क्या करते थे, जैसे अपने पास कोई फंक्शन था वाई बराबर एफ एक्स था, एफ एक्स का फंक्शन था, यहां से हम इसका अवकलन करते थे, अवकलन को 0 के बराबर करते थे और एक्स का मान हम फाइंड करते थे। क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर हम क्या करते थे, इसका एक बार दोबारा अवकलन करते थे, d2 upon dx square, अगर ये वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन 0 आती है तो हम क्या कहते हैं मिनिमम है साहब। ठीक है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, अगर ये वैल्यू मेरे पास लेस देन आती है तो मैं क्या कहूंगा साहब मैक्सिमम है वैल्यू, यही कहते हैं अपन। दो बार अवकलन करते हैं, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो ये यहां उल्टा होता है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मैं क्या कहूंगा कि मिनिमम है, अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मैं क्या कहूंगा मैक्सिमम है। क्लियर सर, नेगेटिव के लिए मैक्सिमम, पॉजिटिव के लिए मिनिमम, थोड़ा सा उल्टा रहता था इसमें खेल अगर याद हो तो किसी को। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, और ज्यादा डिटेल में पढ़नी है तो 12वीं क्लास में दिया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा, अब आते हैं यहां फॉर मैक्सिमा मिनिमा, तो मैं क्या करूंगा यहां से dt/dy निकालूंगा, dt/dy इक्वल्स टू, इसका तो 0 इक्वल्स टू, यहां से देखना μu² / 2k, ये अंदर जाएगा तो y/d का मतलब y का 1 हो जाएगा तो 1/d माइनस ये y²/d², y² का कितना हो जाएगा साथियों 2y/d². क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आया होगा, यहां तक तो कोई रॉकेट साइंस इसमें है भी नहीं। ठीक है, तो नाउ अब क्या करते हैं, अब इसको 0 के बराबर करते हैं, dt/dy बराबर 0, मतलब ये टर्म 0 के बराबर कर दो तो μ/2u²/k 1/d -2y/d² = 0, ये पूरी टर्म 0 में चले जाएगी, तो यहां से देखना मेरे पास बचेगा 1/d -2y/d² = 0। तो यहां तक समझ में आया होगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, उसके बाद वहां से मैं y की वैल्यू निकालना चाहूंगा। ठीक है, तो यहां तक तो पूरा मैटर सभी स्टूडेंट को क्लियर होगा, यहां मुझे किसी इक्वेशन की जरूरत शायद नहीं पड़नी चाहिए, पड़ेगी कुछ इक्वेशंस की जरूरत, उनको मैं रख लेता हूं, जैसे आगे चलो, एक तो इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इसको मैं कितना नाम दूं,
चलो ए नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर ए नाम दे देता हूँ। ये तो चार वहां की थी, ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे, समझ में आया होगा। आगे देखना, वहां से मेरे पास इक्वेशन आ गई 1/d - 2y/d² = 0। यहां से देखना 2y/d² = 1/d, से d कैंसिल, तो y बराबर मेरे पास आएगा d/2, ठीक है, y का मान मेरे पास d/2 आ गया। अब दोबारा आकलन करता हूं, कौन सी समीकरण का, इस समीकरण का एक बार दोबारा आकलन कर देता हूं। तो d2t/dy² = μu²/2k, इसका 0 और उसका माइनस का 2/d², ठीक है, यानी कि d2t/dy² कौन से पॉइंट पे निकालते हैं, y बराबर d/2 पे निकालेंगे। तो अपने पास वैल्यू आएगी माइनस का 2 से 2 कैंसिल, माइनस का μu²/kd², ये वैल्यू मेरे पास आई। तो वैल्यू कैसी दिख रही है, वैल्यू नेगेटिव है, वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, नेगेटिव है मींस d2t/dy² कैसा है मेरे पास, लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है। तो मैं क्या कहूंगा साहब, ये टेम्परेचर कैसा है, मैक्सिमम है, ठीक है, तो ये टेम्परेचर कैसा है, मैक्सिमम है, और किस पॉइंट पे है, d/2 पे है, d/2 पे होने का मतलब मैं क्या कहूंगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर मेरे पास कैसा है, तो मैं क्या कहूंगा 8 y = d/2 टेम्परेचर इज मैक्सिमम। तो d/2 पे टेम्परेचर मेरा कैसा है, मैक्सिमम है, और मैक्सिमम टेम्परेचर कहां है, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर एट मिडिल इन द प्लेट। क्लियर सभी स्टूडेंट को कि साहब मैक्सिमम टेम्परेचर कहां है, मिडिल इन द प्लेट, क्यों है मिडिल में, क्योंकि आया है ना पॉइंट y बराबर d/2 कहां है, ये पूरी दूरी d, ठीक है, तो d/2 कहां होगी, इसके एकदम बीचों बीच होगी कि नहीं होगी, d/2 कहां होगा, इसके एकदम बीचों बीच होगा, मतलब प्लेट के एकदम बीच में क्या है, टेम्परेचर मैक्सिमम है, यहां से हमें ये बात पता चली। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो चलो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं, अब मुझे निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, तो वो भी निकाल लेते हैं। देखना वो कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन पे आओ वापस, ठीक है, तो देखना फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट y बराबर d/2 इन इक्वेशन ए। तो d/2 क्या पुट करोगे, किस इक्वेशन में पुट करोगे, इस इक्वेशन ए में पुट करोगे। तो देखना इस इक्वेशन टू में, इस इक्वेशन ए में जब y बराबर d/2 पुट करोगे तो टेम्परेचर कैसा मिलेगा मुझे, कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही निकाल रहा हूं, ठीक है, पुट फॉर मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, वाई बराबर d/2 रखूंगा, तो मेरे पास ये कैसा टेम्परेचर आएगा, ये मैक्सिमम आएगा, तो मैं टी को क्या लिख देता हूं, टी मैक्सिमम, ठीक है, टी को मैं क्या लिख देता हूं, टी मैक्सिमम माइनस टी नोट = ऑब्वियसली ये मैक्सिमम होगा। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर की वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम है, या ये कह सकता हूं टेम्परेचर कैसा है, यहां मैक्सिमम है, इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा, टीएम लिखा = ये देखना μu², ठीक है, μu², इसकी जगह d और ये 2 kd और d/2 1 माइनस y की जगह d/2 और एक d पहले से, क्लियर सभी स्टूडेंट को, तो d से d कैंसिल,
तो Tm माइनस T नोट इज इक्वल्स टू, यहां से देखना, म्यू यू स्क्वायर अपॉन 8k, ये 1 माइनस 1 बाई 2, तो Tm माइनस T नोट इज इक्वल्स टू म्यू यू स्क्वायर अपॉन, ये 4 था तो 4k, यहां से 1 बाई 2, ये कितना बन जाएगा 8, तो Tm माइनस T नोट इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर अपॉन 8k। ये मेरे पास कैसा आ गया साथियों, मैक्सिमम टेम्परेचर आ चुका है। अभी तो इस इक्वेशन की एक बार और जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको यही रख लेता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में इसका भाग दे दूंगा, ठीक है। इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन का भाग दे दूंगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर बी नाम दे देता हूं। तो देखना, नाउ इक्वेशन ए डिवाइडेड बाय इक्वेशन बी, इक्वेशन ए को मैं इक्वेशन बी से डिवाइड करूंगा, तो देखना टी माइनस टी नोट अपॉन टी एम माइनस टी नोट इज इक्वल्स टू, यहां से देखना, म्यू यू स्क्वायर वाई अपॉन टू के डी और वन माइनस वाई अपॉन डी, अब बट्टे में ये वैल्यू आ जाएगी, मींस यहां म्यू यू स्क्वायर और यहां ऊपर 8 किया जाएगा, ये घात में नहीं है, यहां लिख देता हूं इसको, क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब जो टर्म कट रही है मैं उसको काट देता हूं, म्यू यू स्क्वायर से म्यू यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, के से के कैंसिल हो गया, ये यहां कितना बच गया, 4 बच गया, क्लियर सभी स्टूडेंट को। और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो देखना टी माइनस टी नोट अपॉन टी एम माइनस टी नोट इज इक्वल्स टू, ये 4y अपॉन डी, 4y अपॉन डी, 1 माइनस वाई अपॉन डी, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ चुकी। तो उम्मीद करता हूं यहां तक अब इस इक्वेशन की मुझे जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है, तो इसको भी मैं मिटा देता हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, अभी तक तो कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली इसकी, ठीक है। तो यहां तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद में करता हूं, क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो यहां से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि साहब जो टेम्परेचर होगा मैक्सिमम वो कहां होगा, प्लेटो के मिडिल में होगा, ठीक है। तो ये मुझे अनुपात मिला टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच, मींस में इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो देखना ये इस कुछ इस प्रकार की शेप का होगा, कुछ आपको ये परवले टाइप में मिलेगा टी नोट, ठीक है, यानी कि ये टेम्परेचर यहां से बढ़ता हुआ चालू होगा, ठीक है, जैसे ये y बराबर d बाई टू पे पहुंचेगा, जैसे ही ये y बराबर d बाई टू पे पहुंचेगा, ये टेम्परेचर अपनी मैक्सिमम स्थिति को प्राप्त कर लेगा, अपनी मैक्सिमम स्थिति को प्राप्त कर लेगा, और जैसे ही ये d बाई टू से नीचे आता जाएगा, ये वापस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा कि 8yd2 पर यहां क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, ये चीज क्लियर होगी सभी स्टूडेंट को। तो कुछ इस प्रकार का ये ग्राफ ड्रॉ होता है कि जैसे जैसे ये कण नीचे आता जाए, ये प्लेटे की अपन प्लेटों के नीचे आते जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो y बराबर d बाई टू पर, मतलब जब मैं एकदम मिडिल वाली प्लेट के ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है, एकदम मिडिल वाली प्लेट के ऊपर आ जाऊंगा, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, जैसे उसके नीचे जाता जाऊंगा वापस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो यहां तक समझ में आया होगा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब वापस मैं चर्चा करता हूं कि टेम्परेचर कहां से किस प्रकार चल रहा है, मैं लोअर प्लेट की बात करता हूं अब, ठीक है, कि हीट ट्रांसफर एट लोअर प्लेट, उसकी चर्चा मैं करता हूं। तो देखना हीट ट्रांसफर एट लोअर प्लेट, तो इसके लिए अपन ने क्या पढ़ा था लास्ट केस में, नसेल्ट नंबर एन यू माइनस डी अपॉन टी, टी एम माइनस टी नोट डी टी अपॉन
dy 8 y बराबर 0। अब y बराबर 0 क्यों लिया, क्योंकि लोअर प्लेट के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं, लोअर प्लेट के लिए, तो ऑब्वियसली y क्या लेंगे, 0 लेंगे। बोलो क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये क्या होता है आपका नसल्ट नंबर होता है, ठीक है। इसको आप टी नोट माइनस टी मैक्सिमम कर लो, क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब मैं 8y बराबर 0 पे dt अपॉन dy की वैल्यू निकालना चाहूंगा इस इक्वेशन से, ठीक है। इस इक्वेशन से मैं वैल्यू निकालूंगा और वहां में मेरी पुट कर दूंगा। तो देखना 8, इस इक्वेशन से मैं अवकलन कर रहा हूं dt अपॉन dy इज इक्वल्स टू, ये टर्म उधर चली जाएगी, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, तो tm माइनस टी नोट, ठीक है। यहां से देखना 4 तो बाहर रख लो, y अपॉन d को अंदर ले जाऊंगा तो इसका 1 अपॉन d, ठीक है। ये माइनस ये कितना बन जाएगा, y स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर का 2y अपॉन d स्क्वायर। कौन से पॉइंट पे निकाल रहा हूं, 8y बराबर 0 पे निकाल रहा हूं, तो y बराबर 0 पे निकालूंगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मीन्स dt अपॉन dy इज इक्वल्स टू tm माइनस टी नोट, ये कितना बचेगा 4, और अपॉन में d बचेगा। ये वैल्यू उठाकर मैं यहां पुट करता हूं तो nu बराबर माइनस d अपॉन टी नोट माइनस tm, क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां से देखना ये tm माइनस टी नोट इंटू 4 अपॉन d से d कैंसिल, यहां से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो देखना nu बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टी नोट माइनस tm अपॉन टी नोट माइनस tm, और साथ में क्या बचेगा 4, तो nu बराबर मेरे पास कितना आया, प्लस का आया, ठीक है, पॉजिटिव आया। अब पॉजिटिव से ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, पॉजिटिव आया nu, ठीक है, पॉजिटिव आया। मींस मैं क्या कहूंगा कि जो लेयर, जो फ्लूइड है, ठीक है, जो टेम्परेचर है वो हमेशा कहां से कहां जाएगा, वो प्लेट से फ्लूइड की तरफ जाएगा। पॉजिटिव के लिए अपन ने पढ़ा था ना नसल्ट नंबर लास्ट क्लास में, तो यहां से मैं क्या कहूंगा कि इन दिस केस हीट ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट टू फ्लूइड, ठीक है। मैं क्या कहूंगा, इधर से मैं मिटा देता हूं और देखना इन दिस केस ऊपर ही लिख रहा हूं ताकि आपको सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट भी आप ले सको, ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं मैं इन दिस केस हीट विल ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट टू फ्लूइड, क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो प्लेट से कहां जाएगा, मतलब यहां से निकलेगा और फ्लूइड की तरफ जाएगा, क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो ये टॉपिक आपका यही क्या होता है, समाप्त होता है। तो एक टॉपिक इसका केस नंबर प्लेन कुट्टी फ्लो का जो केस नंबर सेकंड है वो भी यहां क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, यहां से आप पूरा देख सकते हो, समझ सकते हो। तो उम्मीद यही करता हूं कि सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक जरूर करें, अपने साथ वाले हैं जो एमएससी में उनके साथ भी चैनल को शेयर करें, ठीक है, उनको भी थोड़ा सा फायदा मिलने दें क्लासों का, ठीक है, और खुद भी पूरा फायदा उठाएं, ठीक है। क्लास का टाइमिंग आपको बता दिया है कितनी बजे होती है, रोज इवनिंग में 6 बजे होती है, उसी टाइम पे क्लास लेने का पूरा प्रयास आप करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।